नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। पटना की सड़कों पर बैंड बाजे वाले उतर गए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर पटना के सड़कों पर बैंड बाजे वाले क्या कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि वो उनके तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो गाइडलाइंस जारी की गई है विवाह को लेकर, क्योंकि अभी लगन का वक्त है, ऐसे में कई सारी गाइडलाइंस बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से दी गई है और ये कहा गया है कि बैंड बाजे पर भी विराम लगाया जाएगा, उसकी भी अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ साथ कई अन्य गाइडलाइन है और अब इसी को लेकर बैंड बाजे वाले सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अभी हमें बैंड बजाने नहीं दिया गया तो हम भूखमरी की स्थिति में आ जाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताते चले कि 12 दिसंबर तक ही लगन है, उसके बाद खरमाश की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में बैंड बाजे वाले लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं, बैंड बजाकर ये कह रहे हैं कि हमें अपना जो काम है वो करने दिया जाए क्योंकि लगन की समाप्ति हो जाएगी, उसके बाद उनकी कमाई रुक जाएगी। किस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पटना की सड़कों पर, आप खुद देखिए। बता दें कि बैंड बाजों वालों का कहना है कि अगर हमें बैंड नहीं बजाने दिया जाएगा तो हम नीतीश कुमार की बैंड बजा देंगे। आप देखिए कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरीके से वो पोस्टर्स के जरिए लगातार नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पोस्टर्स पर लिखा हुआ है कि 12 दिसंबर तक हमें बजाने दिया जाए क्योंकि उसके बाद लगन की समाप्ति हो जाएगी, शादी का जो माहौल है वो खत्म हो जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि बिहार में सिर्फ 35,000 शादियां दिसंबर माह में होने वाली है और ऐसे में जो बैंड बाजे वाले हैं अगर उनको रोक दिया जाएगा तो वाकई उनकी कमाई रुक जाएगी और इसी को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।